डेली इंट्राडे कॉल्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनवेस्ट। उम्मीद है आप सभी की ट्रेडिंग अच्छे जा रहे होंगे। अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है अपने ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में और अपने लिए सही स्टॉक चुनने में। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए कल हमने कुछ बताए थे आपको, देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखिए, कल हमने आपको कहा था गैप ओपन होके हो सकता है बुलिश आ जाए, तो ये गैप डाउन ओपन होके बुलिश आया, गैप ओपन होके बुलिश नहीं आया। पहले इसकी जो क्लोजिंग थी वो नेगेटिव थी, उसके बाद ये ऊपर आया। मेरे को उम्मीद थी इसकी फ्लैट क्लोजिंग की, बट ये उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़कर पॉजिटिव क्लोजिंग में आया है। आपको याद होगा मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको लेवल्स भी प्रोवाइड किए थे, प्लस मैंने एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को प्रोवाइड किया था। मैं स्क्रीनशॉट एक बार आपको दिखाना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर्स को, तो आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। इसमें मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, डोंट फॉल फॉर द शॉर्ट कॉल बाय वॉचिंग निफ्टी नेगेटिव, यानी कि निफ्टी को नेगेटिव देखते हुए आप सीधा शॉर्ट सेल मत कर दीजिएगा, लेवल ब्रेक होने का वेट जरूर कीजिएगा। तो आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है, मैं जो मॉर्निंग में लेवल्स प्रोवाइड करता हूं, देखिए मैं मॉर्निंग में ही लेवल्स प्रोवाइड करता हूं, अब मैं यूट्यूब पे नहीं करता, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट की कंडीशन देख के जो सूटेबल लेवल रहते हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूं। उसके अलावा जो आपके लेवल्स हैं उसे चेंज करने में, यानी कि गैप ओपन होने के बाद उसे चेंज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपने टेलीग्राम चैनल से उठा के ही मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने लेवल्स एडिट कर देता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। अब बात करें, तीन लेवल मैंने आपको दिए थे, SBI कार्ड, MGL और UBL। इनमें से दो लेवल्स मैंने चेंज कर दिए थे, वो था हमारा SBI कार्ड और MGL का। मैंने SBI कार्ड आपको बाय करने के लिए बोल दिया था 1008 पे और MGL बाय करने के लिए बोल दिया था 1173 पे। आइए देखते हैं इसमें आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल गया होगा मैसेज कि मैंने आपको कहा था कि निफ्टी जो है नेगेटिव ओपनिंग है प्लस फ्लैट क्लोजिंग है। फ्लैट क्लोजिंग क्योंकि इसके चार्ट को देख के हमें लग रहा था कि ये फ्लैट क्लोज होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, पॉजिटिव क्लोज हुआ, वो ज़्यादा अच्छा है फ्लैट क्लोजिंग से। सो अब हम बात करें कल के लिए। कल के लिए देखिए एक कंटिन्यूस पैटर्न में ये अप ट्रेंड में रहा है, तो हो सकता है निफ्टी जो है अभी लग रहा है कि पॉजिटिव ओपनिंग है। मॉर्निंग में अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा कि पॉजिटिव ओपनिंग है कि नहीं है या फिर नेगेटिव ओपनिंग है, मैं सब चीज़ अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी जो लग रहा है निफ्टी के चार्ट को देख के एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें दिख रही है। पॉजिटिव ओपनिंग दिखने के बाद ऐसा हो सकता है कि जो निफ्टी है वो हल्का सा फ्लैट मार्केट पर चले या फिर ऊपर बढ़े, दोनों कंडीशन पॉसिबल है इसी चीज़ में। गैप ओपन होने के बाद फ्लैट मार्केट चलने के बाद हो सकता है निफ्टी थोड़ा डाउन आ जाए और फ्लैट क्लोजिंग दे, और जो आपका गैप ओपन होने के बाद जब ऊपर बढ़ेगा फिर तो आपको फ्लैट क्लोजिंग की कोई उम्मीद नहीं होगी, बट हो सकता है यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग भी हमें देखने को मिले। तीसरी कंडीशंस में मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है जो ये पैटर्न मैंने आपको तीन पैटर्न बताए हैं, इस टाइप का पैटर्न, दूसरा है हमारा इस टाइप का पैटर्न और तीसरा है हमारा इस टाइप का पैटर्न, इन तीनों पैटर्न में से एक पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी जो है काफ़ी टाइम से ये पैटर्न आपको दिखाई रहा है, एक या दो दिन बाद ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। 1008 पे हमें से बाय करना था, अब अगर हम इसको क्लोज ले चलें तो इसकी जो ओपनिंग थी वो थी हमारी लगभग 997 पे, 1008 पे बाय करना था, 1007 तक ये गया, 1008 इसने लेवल पार नहीं किया। मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी आप बाय करेंगे उसके लिए आपका लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि 1008 बोला है तो 1009 पे आप इसे बाय करेंगे, 1008 पे कभी बाय नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस दिया है मैंने 1000 का, मान लीजिए सपोज के लीजिए स्टॉप लॉस अगर मैंने दिया आपको 1000 का, तो आप क्या करेंगे उसे 1000 पे एग्जैक्ट स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, 999 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि इस लेवल से नीचे आने पे आप अपना स्टॉप लॉस हिट मान के ट्रेड से बाहर आएंगे, ये चीज़ बेसिक रूल है, ध्यान रखिएगा। दूसरा था हमारा MGL, MGL का भी लेवल देख लेते हैं, लेवल मैंने जो चेंज किया था उसके बाद मैंने इसको 1173 पे आपको बाइंग बोल दी थी। अब यहाँ पे देखें MGL यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1172 का लेवल यहाँ पे पड़ रहा है, तो 1173 हमें यहाँ पे बाय करके चलना था इसको, यहाँ पे बाय करने के बाद इसने अपना हाई बनाया 1196 का, तो मोस्ट प्रॉब्ली 20 पॉइंट्स ही आपको देके चले गया था इजीली, बट हो सकता है कि काफ़ी लोगों का इसमें जो है बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, ये एक ही टारगेट प्राइस अचीव हुआ, बट ये ठीक है, आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, हो सकता था यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है स्टॉक, तब आप क्या करते, ये ऊपर बढ़ा तो ठीक है एडवांटेज था, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे दोबारा बाय। मैंने हमेशा कहा है अपने न्यूयर्स को भी मैं बता दूं कि जब भी स्टॉक जो है अपनी फर्स्ट टारगेट प्राइस तक चल रहा है तो आप उसे फर्स्ट टारगेट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, अपनी बाइंग प्राइस के अलावा फर्स्ट टारगेट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपका स्टॉप लॉस अब वो नहीं रहेगा जो मैंने आपको दिया था, आपका स्टॉप लॉस आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस ही रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। UBL की बात करूँ, UBL का लेवल मैं चेंज नहीं कर पाया था क्योंकि इसमें प्री में हमें ओपनिंग दिखा रहा था 1371 की, और ये जो ओपन हुआ वो एग्जैक्ट 75 पे हुआ, बट जैसे मैंने कहा था आप बाइंग प्राइस तक आप इसे बाय कर सकते थे, हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स थे
उन्होंने इसमें बाय किया था और बाय करने के बाद देखिए कंटिन्यूसली अब ट्रेंड में ये गया। और अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करने का यही आपको फायदा होता है, अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करने का। देखिए सबसे मेन रूल है कि फर्स्ट टारगेट प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस ट्रायल करना है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। जब भी रिवर्सल मारे स्टॉक तो आपका स्टॉप लॉस हिट होकर आप ट्रेड से बाहर आ जाए। अगर दोबारा से ऊपर बढ़ रहा है तो आप उसे बाय कर सकते हैं, नीचे आ रहा है तो आपको आराम से अपना प्रॉफिट बुक करके साइड हो सकते हैं। बात करें, हमने काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज किए थे कि सर आप पहले हमें मिड कैप के स्टॉक्स तो दिखाइए जो आप प्रोवाइड करते हैं, उनका तो कुछ हमें पता ही नहीं है। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे लेवल अपलोड कर दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। किर इंडोस यानी कि किर इंडस्ट्रीज़ हमने सबसे पहला स्टॉक था, इस स्टॉक ने आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दिया। आपको मैं दिखाऊँ, जो स्टॉक था हमें बाय करके चलना था 590 पे, यानी कि इस लेवल पे हमें कहीं बाय करके चलना था इसे। यहाँ पे आपने बाय किया होगा, इसने अपना हाई बनाया है 680, मान लीजिए 680 के लगभग लगभग इसने अपना हाई बनाया है, तो आप लगा सकते हैं 90 पॉइंट से आपको देके चले गया। यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रायल किया होगा तो रिवर्सल में आप ट्रेड से बाहर आ गए होंगे, बट ना आप कंटिन्यू रह के थोड़ा सा नीचे आ गए होंगे जरूर, बट प्रॉफिट अच्छा खासा आपको हुआ होगा। मिड कैप का स्टॉक है, प्रीमियम ग्रुप में मैंने प्रोवाइड किया था, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। JSW स्टील की बात कर लेते हैं, JSW स्टील, अब मैं आपको लेवल दिखाऊं JSW स्टील का, तो ये था मेरा 660 पे, इसको बाय करके चलना था 660, यानी कि इस लेवल पे हमें इसे एक्जैक्टली बाय करके चलना था। इसने अपना हाई बनाया है 675 का। अगला स्टॉक है हमारा वॉक फार्मा की हम बात करें, आपको लेवल पहले मैं दिखा दूँ, 588 पे हमें इसे बाय करके चलना था, 588 यानी कि इस पॉइंट पे हमें, किसी पॉइंट पे हमें इसे बाय करके चलना था। इसने अपना हाई बनाया है 607 का, 588 से 607 आप लगा सकते हैं, इजीली आपको 20 पॉइंट्स लगभग लगभग मिल गए थे, 19 या 20 पॉइंट्स। तो मिड कैप का स्टॉक है, 500 का स्टॉक है, अगर आपने 200 शेयर्स भी बाय कर रहे होंगे और उसमें 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो करनी पड़ती है अपना रिस्क मैनेज करने के लिए। तो आखिरी स्टॉक था हमारा टाटा केमिकल, 708 पे इसे बाय करके चलना था। ये देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, 708 पे, यहाँ पे मैंने पहले ही मार्क कर दिया, 708 पे हमें इसे बाय करके चलना था और इसने अपना हाई बनाया है 719 का। तो हो सकता था इसमें आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थे जो आपने ट्रायल किया होगा फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, लेकिन आप दोबारा इसे बाय कर सकते थे। तो यहाँ से अच्छा खासा आपको भी इसमें भी ठीक ठाक रिटर्न मिला, यानी कि स्टॉप लॉस तो हमारा हिट ही नहीं हुआ, तो किसी में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी लेवल जो है मॉर्निंग में प्रोवाइड करूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर जाएगा। वहाँ का एडवांटेज ये है कि मुझे इजी होता है जो लेवल है उसे चेंज करने में, जैसे मैंने यहाँ पे जो आपको लेवल प्रोवाइड किया था SBI कार्ड और MGL का लेवल मैंने एकदम से चेंज करके आपको प्रोवाइड कर देता है, यानी कि गैप ओपन होने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस लेवल में, तो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी निफ्टी क्या रहने वाला है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाएगा। आप हमें प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।